अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू रेसिपी। रमज़ान आ रहे हैं, बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी डिश है ये। इसका नाम है मम्मी मूंग दाल मिर्च। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलें अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ली हैं बड़ी मिर्चें 8 अदद, मूंग की दाल ली है, ये मैंने 3 घंटे से भिगो के रखी हुई है मूंग की दाल 3 चम्मचे। डो के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। आलू मैंने 1 बॉईल करके रख लिया है जी। तो हम इसमें चीज भी डालेंगे, ये मैंने ली है चीज। 2 स्लाइस ले लें, 2 स्लाइस में से बारीक बारीक काट लें। 8 मिर्चें ली है हमने, तो 1 स्लाइस में से 4 पीस कर लें आप। मसाले जो हमें चाहिए वो चाहिए अदरक का पाउडर 1 चम्मच, लाल पीसी हुई मिर्च 1 चम्मच, नमक हसबे जायका, सौंफ का पाउडर 1.5 चम्मच, जीरे का पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और 1 चम्मच खटाई। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको डो बनाना सिखाती हूँ जी। तो अब हम आ गए अपनी डो की तरफ। डो के लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए, पानी चाहिए जितना यूज हो सके हमारे पास, 1 चम्मच हमें नमक चाहिए और 1.5 चम्मच हमें तेल चाहिए। अब डालते हैं हम मैदा, नमक, तेल या घी आप जो भी ले सकते हैं, मैं घी डाल रही हूँ इस पर। अब आपने इसको अच्छे से मिलाना है। मिल गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। हमें डो ज्यादा नरम नहीं करनी है, हमें डो थोड़ी सख्त ही चाहिए। अब हम इसको करते हैं हाथ से, क्योंकि ये हमारा हो चुका है साफ, ये पूरा हो चुका है। अब हम इसको करेंगे हाथ से, जी। तो ये देखिए ये हमारी डो तैयार हो गई है बिल्कुल सही वाली, ठीक है। अब हम इसको रख रहे हैं रेस्ट के लिए, 30 मिनट्स हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। देखिए हमने इसको रख दिया रेस्ट के लिए जी। तो आप देख ले, मैंने हरी मिर्चें काट के रख दी हैं, इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। मैंने आपको पहले बताया था हरी मिर्चें काटने से पहले या बीज निकालने से पहले आप ग्लव्स पहन लिया करें, वरना हाथ में मिर्चें लग जाती हैं, या हल्का सा ऑयल लगा लिया करें। ये देख ले मिर्चें काट के मैं रख चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ इसका वो बनाने के लिए जी। तो हमें सबसे पहले डालना है पैन में घी थोड़ा सा, बस 1 स्पून के करीब, 1 स्पून के करीब हमने डाला घी। उसके बाद हमने डालना है अदरक का पाउडर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और घी बिल्कुल हमें बस 1 टेबल स्पून के करीब ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना घी। अब मैं डाल रही हूँ सारे मसाले, जी। तो अब मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया का पाउडर, जीरा, सब चीज़ें, सौंफ, नमक, खटाई और लाल मिर्च डाल के मैं इसको ज़रा सी देर भूनूंगी। भूनने के बाद इसका मसाला जलने नहीं देना, बस हमें फिर हमें अच्छे से भूनना है इसका मसाला। ये देखें अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने आपको बताया था मूंग की जो दाल है वो मैंने सोख करके रख ली थी जी। तो मूंग की दाल जो है वो खड़ी खड़ी रखनी है 3 चम्मचे। ये 3 चम्मचे भर भर के डाल लिए हैं, अब मैं इसको भूनूंगी।
कलर चेंज होने तक हम इसका वेट करेंगे। अब हमने इसमें डालना है आलू, वो जो हमने मैश करके रख लिया था, ये देखें, ये डाल के हमें अच्छे से इसको मिलाना है ताकि ये पूरा एक हो जाए। जी तो ये हमारा हो गया, देखें बिल्कुल तैयार, बिल्कुल एक जान हो गया ये। अब जो है हम इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जी तो अब मैं आप पहले हरी मिर्चों का मसाला भर लेती हूँ। हरी मिर्चों का मसाला भरने के लिए देखें इस तरह से डालेंगे मुझे अंदर। अच्छा, और जो फिलिंग है वो हमने ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा हमें इसलिए नहीं करनी क्योंकि इसमें मूंग की दाल है, जब वो फ्राई होगी तो फूलेगी। अगर हमने इसको ये देखें, ये अगर हमने ज़्यादा फूल लिया तो वो फट जाएगी। ये हमने चीज़ का एक स्लाइस उठाया और हमने इस तरह से अंदर डालना है, ये देखें, ये अंदर डाल के हमने इसको कर दिया। ठीक है, ये मैं दो आपके सामने बना लेती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको अंदर डालना है, और ये ज़्यादा मसाला भरना नहीं है इसमें। ये चीज़ का स्लाइस लिया, इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें अंदर डालना है, ये देखें बस, ये हमें अंदर डाला और ये हो गया बन। अब मैं इसी तरह से सारी बना के रख लेती हूँ। जी तो मैं डो खोल रही हूँ, आप देख लें, हाथ धो लिए मैंने, ये देखें ये अच्छे से हो गई हमारी डो का, अच्छे से कर लें मिक्स एक दफ़ा। फिर अब हम डालेंगे इसका हमने बनाना है पेड़ा, अच्छे से पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा हमें तेल डालना है, अच्छे से फैलाना है। फिर हमने इसको ऐसे ऐसे करके फैलाना है, अच्छी सी बड़ी हमें डो बनानी है इसकी। ये आप देखें इस तरीके से आपको बेलनी है, बड़ी सी डो बनी। तो ये देखिए ये मैंने रोटी बेल चुकी हूँ। अब रोटी बेलने के बाद जो है मुझे इसमें लगाने हैं कट, ये इस तरह से हमें लगाने हैं बिल्कुल कट, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये मिर्चें जो हैं ये कट कर, ये जो ये है डो हमें इस तरीके से इसकी लाइंस कट करनी है और हमें रखनी है। तेल जो है मैं रख चुकी हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लें इसको। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा मेरा चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको मिर्चें दिखाती हूँ, वो मैं भर चुकी हूँ मिर्चें। जी तो ये मिर्चें सारी मैं भर चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करनी है मिर्च, इसके मिर्च को लेके चलते हैं डो की तरफ। तो ये देखें ये हमने मिर्च ले ली है, अच्छा इसको मम्मी मूंग दाल मिर्च मैंने इसलिए नाम दिया है। ये देखें ये हमें बिल्कुल स्टार्ट से करनी है फिलिंग इसकी, ये देखें कोई गैप नहीं देना हमें, ये आप देख लें, आपने इसको करना है प्रेस। बहुत अच्छी रेसिपी है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। देखें तरह से हमें ये पूरी एक के ऊपर एक लपेटनी है ताकि जो हमारी लेयर्स हैं वो अच्छी आ सके। ये देखें इस तरह से, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। जी तो अब हम जो हम एंड करेंगे वो हम इस तरह से नहीं जाएंगे, इसकी हमें देनी है शेप, और शेप हमें बिल्कुल नोक वाली देनी है इस तरह से। ये देखें ये शेप दी हमने और इसको कर दिया हमने कट जितना बचा, और ये देखें इसलिए मैंने इसको नाम दिया है मम्मी मूंग दाल मिर्च। ठीक है, मैं अब बना के रख रही हूँ सारी। जी तो ये अब मैंने अपनी मिर्चें रेडी कर ली हैं, अब मैं इसको फ्राई करने के लिए चलती हूँ। जी तो अब मैं डाल रही हूँ अपनी मम्मी मूंग दाल मिर्च, देख लें आप, इस तरह से हमने इसको करनी है फ्राई। जी तो हमारी मिर्चें हो गई हैं फ्राई, अब मैं इसको रख रही हूँ प्लेट में। जी तो हमारी मम्मी मूंग दाल मिर्च बिल्कुल रेडी है, आप देख लें,
हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह हाज़िर होते रहेंगे आपके साथ यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।